राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहें, और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30 हो गए हैं, और मैं आ चुकी हूँ हमेशा की तरह अपने किचन में, अपनी दुनिया में, जो कि हमारे जीवन का एक मेन हिस्सा है ना। तो भाई चलो, आज क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी सब्जी में क्या बोलते हैं इसका, इसको घिया, मतलब लौकी। हमारे भाषा में लौकी बोलते हैं, लेकिन घिया भी बोलते हैं कई लोग। तो मैंने सोचा चलो आज है ना, वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी है और ब्लॉग भी, क्योंकि फ्रेंड्स भी इंतज़ार करते हैं। तो कुछ आज दिन भर में मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, पर अभी आ गया है दिमाग में। तो आज बनने वाला है लौकी का कोफ्ता, घिया का कोफ्ता। तो कैसे बनाते हैं आप लोग, आप लोग कमेंट में बताना, और मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो ये है घिया तो इसको कद्दूकस में पहले तो हमें कसना है, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, अच्छी लग रही होंगी। मेहनत से बना रहे हैं, बहुत गर्मी है, और जैसे भी है मतलब हमारी मेहनत है। तो आप लोग प्लीज़ वॉच करा करो, और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करो, जिससे कि हमें थोड़ा सा है ना, होता है ना, मनोबल बढ़ता है, तो वो चीज़ फील कराओ अगर सच्चे फ्रेंड हो तो। और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी चैनल पर अभी तक जुड़ा नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जो बटन घंटी होती है उसको प्रेस कर दो, ताकि न्यू से न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके यूके हिमांशी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं इसको हम कट। टन टन टन, और फिर इसकी पॉट इसको लेते हैं हम छील, ठीक है। तो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, और कोफ्ते की सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है, मैंने कई बार बनाया है। और गर्मी में तो भैया आजकल सब्जी है क्या फ्रेंड्स, आप लोग बताओ, कुछ समझ नहीं आता। घिया, पेठा, और यही तोरी है ना, तो बहुत बोर हो चुके हैं, और कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करती हूँ आज। इतना पक चुके हैं इस गर्मी से और सब्जी से, कभी कभी तो मन करता है बस चटनी बना लो, चटनी के साथ खा लो, है कि नहीं। तो ये हो चुका है यहाँ पर, इसको कर लेंगे हम कद्दूकस। तो तरफ कर देते हैं, इसको कर लेते हैं फिर से। निकलेगा नहीं तो यहाँ पे ये मैंने कस दिया है, ये देखो आप लोग। और इसमें अब हमें डालना है बेसन, ठीक है। इसको ढक कर डोंगी में, फ्रेंड्स इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आप इसको इसमें अगर बेसन डालोगे तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसमें से कितना पानी निकलता है ना। अगर आपने इसमें बेसन डाल के इसमें पानी डाल दिया तो आपके जो है ना कोफ्ते बिल्कुल नहीं बनेंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। और अभी इसमें नमक पड़ेगा तो नमक से भी और पानी निकलेगा। तो इसमें आ दिया हमने प्याज, टमाटर और मिर्ची वगैरह सब कुछ, ये देख सकते हो आप लोग। और इसको मिक्सी में पीसना है एकदम बारीक से, तो ये हो चुका है यहाँ पे एकदम से बारीक। चलो अभी और डालेंगे,
अगर कम ज़्यादा हुआ था। और इसमें डाल दो आप, आपको जो जो इसमें डालना है। तो मैं डालती हूँ इसमें नमक, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो, ज़्यादा भी मत डालना। और ये हो चुका है हल्दी, ठीक है। तो ये है धनिया पाउडर, ओके। और इसमें डालती हूँ थोड़ी सी सब्जी मसाला, ये हो गया है सब्जी में से मिक्स करूँगी इसको मैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें ना इस तरह से मिक्स कर देना है। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, पहले भी मैंने बता दिया है। तो क्योंकि ना घिया से बहुत पानी निकलता है, तो पानी अगर आप डाल दोगे ना थोड़ा सा भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना। और ये देख सकते हो आप, इस तरह का ये बन चुका है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करो, और इसमें ना बहुत पानी निकल रहा है, ये देखो, ये भी बिल्कुल ऐसा हो गया है। और बेसन डालना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ताकि पकौड़े अच्छे बन पाए। लेकिन अब मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। सही है, इतना चलेगा। बस इसको मिक्स करना था, सो मिक्स कर लो अच्छे से। ये देख लीजिए, अब हम ऐसे करके बना सकते हैं, पकौड़े बन जाएंगे आराम से। थोड़ा थोड़ा ला के थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे गैस पर। तो चलो ये तो हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल भी हो चुका है गरम, और बनाना करते हैं स्टार्ट। तो मैं चम्मच से डालूँगी छोटे छोटे, है ना। ये हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये देखो। और हम अभी सर सरसों का तेल ही यूज करते हैं, और रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करते हम। तो ये देख सकते हो, तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो बनने में देरी नहीं लगती है। देखो एकदम से, ये एकदम से बन गया है, ये देखो आप। और लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छे से तलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे बन चुका है, ये देखो, ये बन चुके हैं घिया के कोफ्ते। और थोड़ी सी और है तो वो बन रहा है, और ये देखो ना, तो बहुत ही सॉफ्ट है। और मसाला बनाना है, और मसाले में ये डाल देना है, और इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, है ना, क्योंकि ये पक चुका है ऑलरेडी। तो चलो थोड़ा सा इसमें से खा लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत टेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन चुका है मसाला, तो आप देख सकते हो, ये देखो। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, तो इसका कलर ना थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, पर कोई दिक्कत नहीं है। लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनानी चाहिए ज़्यादातर, तो हम तो इसी में बनाते हैं, और कभी कभार बनाते हैं जो दूसरे वाली कढ़ाई है ना, पर मज़ा इसी टेस्ट है ना जो इसी कढ़ाई से लगता है हमें, क्योंकि आदत भी बन गई है। और मसाला हो गया है मेरा रेडी, और उसके बाद ये डाल देंगे, है ना, देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है खाना पीना हमारा, और जो आज की सब्जी है तो इस तरह की बनी हुई है, ये देखो कोफ्ते। तो मैंने ना इसमें तरी नहीं बनाई है, ये देखो तरी वाली नहीं बनाई है। रोटी हो चुकी है रेडी, सकते हो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो खाना खा लिया हो चुका है। और उसके बाद खाने के बाद यहाँ पे काटा, ये देखो डिजाइनदार डिजाइन में, तो ये मेरी बेटी का काम है। अभी तो इस गर्मी में है ना, ज्यादा से ज्यादा तरबूज का सारे के सारे ऐसे कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त, आराम से खा सकते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, और ये देखो कैसे खा रहे हैं। ध्यान रखिए, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ये ब्लॉग आप जरूर देखिए। तो बाय बाय दोस्तों।